बहुत ही उम्दा और बेहतरीन किस्म के कबूतर आप देख रहे हैं जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर। चलिए तो दोस्तों आज इमरान भाई कौन से कबूतरों का हमें शौक करवाते हैं पूछते हैं हम, बताएं इमरान भाई। दोस्तों भोपाल के अंदर जो सबसे मेन कबूतर होते हैं वो हैं ललसरे कबूतर जी, और ललसरे कबूतर के अंदर भी जब कास्टनी कलर मिलाया जाता है तो जो ललसरे कास्टनी कबूतर बन के आते हैं इन कबूतरों का बहुत ज्यादा नाम है भोपाल के अंदर जी, क्योंकि इन भोपाल की लोकल ब्रीड कह सकते हैं। भोपाल के हर घर के अंदर एक पेयर या दो पेयर जरूर मिलेगा आपको ललसरे कास्टनी कबूतरों का या ललसरे कबूतर का केले। तो मेरे घर पे भी एक दो जोड़े हैं तो मैं एक आध पेयर आपको शो कराऊंगा। और एक पुराना कबूतर है मेरा, उड़ा हुआ कबूतर है 15-16 साल पुराना, तो उसका भी मैं शो कराऊंगा आपको। तो ये पुराने दौर से चले आ रहे हैं नवाबों जी। अब ये नवाबों का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि मेरे को भोपाल आए 20 साल हुए जी। पुराने कबूतर है ललसरे, जो कि शहजाद मियाँ के ललसरों के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए जी, क्योंकि जनाब मरहूम शहजाद मियाँ साहब के पास ललसरे कबूतर ही वो उड़ाते थे। उसके बाद जो उस्ताद इंतज़ार साहब है भोपाल के अंदर, उनके पास भी ललसरे कास्टनी कबूतर थे जो उड़ाते थे वो जी, तो ख़ास तौर से तो दिखाए हमें वो शो। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों ये सबसे पुराना कबूतर है मेरा इस लॉफ्ट का, ये हमारे एक दोस्त थे। वैसे जो मेन ब्रीड है ना ये जनाब आगा अब्दुल अलीम साहब के घर का ये कबूतर जी, उनके घर से एक हमारे दोस्त के गया था, दोस्त के घर से हमारे एक और बुजुर्ग अंकल हैं उनके गया था, उनके उड़ा नहीं था ये कबूतर जी, उनके सब नीचे से ऊपर जाता था ऊपर से नीचे आता था, तो गुस्से में उन्होंने मेरे को दे दिया था कि इमरान भाई इसे लेके जाओ उड़ता ही नहीं है। और आप किस्मत देखिए मेरे घर पे आया ये जोड़ा ही था, जोड़े के अंदर ये घर पे बाहर आता था, पहले ये जाल वगैरह कुछ नहीं था मेरा जी, जी। तो दाना खाता था, दाना खा के दोनों ऊपर बैठते थे और 4.5-5 घंटे दाना खाने के बाद उड़ के आते थे ये। तो कई बार ये अपने पर नुचा के आया था जी, बगल के पर नुचा के आया, इधर के पर कभी दुम नुचा के आ गया, तो उसके बाद फिर ये जोड़ में डाला था ये कबूतर। अच्छा, तो इसकी आँख देख सकते हैं आप, और अभी भी बहुत दिखाएं आँख दिखाएं, जरा सा धूप की तरफ जी। बिल्कुल बहुत ही उम्दा इसकी आँख है, आप देखें किस तरीके की आँख है आप, यानी कि जो ऑफ वाइट होती है उस तरीके की आँख है। ओरिजिनल जो कबूतर होते हैं उनकी पहचान है जी। और इवन साइज भी इसका बड़ा है, इतने बड़ा साइज था ये हमेशा से उड़ा, तो जरूरी नहीं है कि एक नहीं ये उड़ा था उसके बाद ही मैंने जोड़ में डाला था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था आज से जब स्टार्ट करा था मैंने ग्रेबाजों में, तो ग्रेबाज कबूतर का नया नया शौक उठा था जी, तो अपने आप आते थे बाहर दाना खा के ऊपर बैठते थे, ऊपर से अपने आप उड़ते थे ये, दाना खाने के बाद उड़ते थे ये जी जी जी। तो वो भी जब आए हमारे अंकल क्या मैंने गलत चीज़ दे दी ऐसे गुस्से में, तो ये होता है ज़रूरी नहीं। दोस्तों एक बात वो बताना चाहूँगा जी कि कई बार क्या होता है जो बड़े अच्छे उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ेगा जी, देख के बोलते नहीं उड़ेगा जी, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा मौजूद होते हैं कबूतरबाजी में, जिस कबूतर को आप बुरा बोलेगे ना वही परफॉर्म करके दिखाएगा, दिखा देगा। और मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ, कई अलग अलग उस्तादों ने मेरे को कबूतर दिलवाए जी साहब ये उड़ाने के लिए कबूतर ये वाला ले लो आप, मतलब मार्केट से उड़ाने के लिए लो आप, और जो जो कबूतर लिए कबूतर उड़े ही नहीं, उड़े ही नहीं। और जो कबूतर कहा कि साहब ये कबूतर बहुत बेकार कबूतर है, काय को ले लो कबूतर अपने आप उड़ा जी जी। जैसा कि मैं भी कहता आया हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जजमेंट इंसान के ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत वो हुए, कबूतर बहुत अच्छा था लेकिन वो ब्रीड के हिसाब से अच्छा था, क्योंकि ब्रीडर जो कबूतर की निशानी होती है वो उसके उड़ने की निशानी मतलब होती है, ब्रीड करने की अलग ही होती है। कई बार ये भी होता है, जैसे मैंने भी माशाल्लाह बहुत जोड़े लगाए और माशाल्लाह खूब कबूतर पाले हैं और आज भी पाल रहा हूँ, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि कई बार ये होता है हम हटा देते हैं कबूतर, यार ये उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेचारा जिसका बाप उड़ता नहीं हो उसकी औलाद भी ना उड़े, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कई वजूहत ऐसी भी होती हैं फिजिकली कि उसमें कोई प्रॉब्लम है बाजू में जो आप पकड़ नहीं पा रहे वो उस वजह से नहीं उड़ रहा, लेकिन बच्चे तो उड़ाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो आप शौक कर सकते हैं इसके भाव में गिठान हो गई है, तो अभी सिंगल कर दिया है इसको। अच्छा, फिर जब ये सिंगल हो गया तो अब ये धीरे धीरे उड़ान पे आ जाएगा, तो ये गिठान अपने आप से ही हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह, ये पुराने कबूतर आप देख रहे हैं, और इसी के साथ मैं आपको दूसरे कबूतर का शो करवाता हूँ जी। इमरान भाई बताएं ये भी पेयर है, ये भी जी पेयर था, ये अभी जोड़ा काट रखा है मैंने। अच्छा, नई पट है दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी खूबसूरती देखें, क्योंकि
इमरान भाई ने मुझसे यही कहा कि अगर आप भोपाल आए हैं और इस तरीके के कबूतरों का जो भोपाल की पहचान है आप अगर शौक नहीं करेंगे तो फिर बेकार है, तो ये तो देख के ही जाइए। तो जैसा कि भोपाल की पहचान है, क्यों इमरान भाई? जी बिल्कुल, अब देखिए ये भी जो दिखाया था वो भी कासनी, लालचना कासनी है जी। कई बार गलती हो जाती है, कासनी पहले निकल जाता है जी जी। इसके अंदर कासनी मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं साहब। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आप, ये पूरा कासनी का पर है, ये जितने भी देख रहे हैं आप दुम के अंदर, और ये सभी कासनी के पर हैं। मैं तो ये कहता हूँ कासनी कलर आप कोई से भी कबूतर में डाल दें जी, जो बेकार हो आपके यहाँ जी, और बेकार कासनी को डाल दीजिए तो इंशाल्लाह रिजल्ट आने लगेगा बच्चों में, अच्छा आ जाएगा। और कासनी का जोर मैंने देखा है भोपाल में काफ़ी है जी। चलिए इसको भी छोड़ के दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल छोड़ा साहब इसे। ये देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह जवाब नहीं, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन किस्म के कबूतर आप देख रहे हैं जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर। चलिए तो दोस्तों, आपने ये देखे भोपाल के लल सरे कबूतर, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन है, और पूरे छाप लिए हुए ये कबूतर हैं आप देखें।